सूर्य ग्रहण में पूजा घट स्थापना नहीं की जाती है। साल का पहला सूर्य ग्रहण चैत्र अमावस्या पर लग रहा है। इसके अगले दिन चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। ऐसे में जान लें कि सूर्य ग्रहण पर सूतक लगेगा या नहीं। क्या चैत्र नवरात्रि की कलश स्थापना पर इसका कोई असर पड़ेगा? जाने ज्योतिष आचार्य से सब कुछ। देखिए, 8 अप्रैल 2024 को सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, लेकिन यह सूर्य ग्रहण भारत में दृश्य नहीं है। और ग्रहण जो है दृश्य पर्व होता है, जहां वह दिखाई देता है वहीं उसका फल भी प्राप्त होता है और वहीं उसका सूतक पातक इत्यादि मान्य रहता है। तो भारत में किसी भी प्रकार का सूर्य ग्रहण 8 अप्रैल के दिन दृश्य नहीं है, इसलिए यह सूर्य ग्रहण का किसी भी प्रकार का प्रभाव भारत में मान्य नहीं रहेगा। 9 अप्रैल से जो नव दुर्गा प्रारंभ हो रही है, नवरात्रि प्रारंभ हो रही है, तो नवरात्रि में 9 दिन तक और पहले दिन इस कार्य को प्रारंभ करने का, घट स्थापना इत्यादि करने का जो कार्य है उसमें किसी भी प्रकार की बाधा नहीं है, किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं है। निष्कंटक रूप से आप उस सूर्य ग्रहण के बाधा को मन से त्याग करके, क्योंकि यह भारत में दृश्य नहीं है, इसलिए आप नवरात्रि के पहले दिन से माँ जगदम्बा का जो पूजन अर्चन है वह प्रारंभ कर सकते हैं। सूर्य ग्रहण 8 अप्रैल 2024 को विश्व के अनेक देशों में लगने जा रहा है, तो जिन देशों में वह सूर्य ग्रहण लगेगा वहीं इसका सूतक पातक मान्य रहेगा। हमारे शास्त्रों के अनुसार जब वह दृश्य ही नहीं है तो हमारे आसपास के किसी भी प्रकार के मुहूर्त को, किसी भी प्रकार की वस्तुओं को वह प्रभावित नहीं कर सकेगा। नवरात्रि जो है 9 अप्रैल के दिन से प्रारंभ हो रही है, 9 अप्रैल से चैत्र की नवरात्रि प्रारंभ हो रही है और यह जो चैत्र की नवरात्रि है वह पंचांग के अनुसार, तो सूर्य उदय की तिथि के अनुसार, उदया तिथि के अनुसार 9 अप्रैल से नवरात्रि रहेगी। और नवरात्रि में घट स्थापना के लिए, जैसा कि हम पूर्व में भी बता चुके हैं, तो पहला शुभ मुहूर्त रहेगा वह सुबह 6 बजे से लेकर के लगभग 10:15 बजे तक रहेगा। इस मुहूर्त में आप घट स्थापना करिए, भगवती की आराधना प्रारंभ करें। इसके पश्चात जो दूसरा मुहूर्त रहेगा वह लगभग 11:57 से 12:48 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा, या 51 मिनट का मुहूर्त है। यह मुहूर्त भी अति शुभ माना जाता है, अभिजीत मुहूर्त। और इसके अतिरिक्त पंचांगों में जो चौघड़िया और स्थिर लगने के मुहूर्त रहते हैं, उन मुहूर्तों को भी किसी ब्राह्मण से, ज्योतिषी से पूछ करके आप भगवती की घट स्थापना करें, भगवती की स्थापना करें, पूजन पाठ नवरात्रि में प्रारंभ कर सकेंगे।